हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं ईजी शुक्ला ओडिशा से और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो वीडियो आपने देखा वो हमारे सुंदरगढ़ के राधा कृष्ण मंदिर का रात को 12 बजे जो होता है जन्मोत्सव, उसका एक छोटा सा क्लिप था। और आप देख रहे हैं हम सब कहाँ जा रहे हैं। दरअसल हम लोग थोड़ा सा बाहर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, उसका जो ब्लॉग है मैं आपको बाद में एडिटिंग करके दिखाऊंगी क्योंकि इतना फुर्सत ही नहीं मिला। तो पहुँचते साथ हम लोगों ने सबसे पहले काम किया वो है कोविड टेस्ट। हम लोगों को लगा कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं तो हम लोग को एक बार कर लेना चाहिए। तो हम सब जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए और मैं रिपोर्ट आपको बता दूं, एंटीजन तो तुरंत पता चल ही जाता है, नेगेटिव आया सबका। और हम लोगों ने ट्रू नॉट के लिए भी दिया हुआ था तो सबका मैक्सिमम सबका ही नेगेटिव आया है, तो एक तसल्ली वाली बात है। खाली मम्मी को थोड़ा सा टायर्डनेस है बॉडी में क्योंकि उनको आदत नहीं है इतना ज़्यादा लंबा जर्नी करना, पैर की वजह से थकान है, बस उनको थोड़ी सी तकलीफ है, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सबका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। तो आप लोग भी अगर कहीं बाहर जाएँ, आपके लिए और आपके जान पहचान वालों के लिए एक बार टेस्ट करिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं देखिए मेरी बच्ची इशू को वो भी करवा रही है। और बस मेरे को यही एक मैसेज देना था कि आप सब प्लीज़ ये काम करवाइएगा। ये करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग बाहर जाते हैं ना, बाहर स्टेट से अगर आप आ रहे हैं दूसरे स्टेट से तो वो तो ज़रूर ही करिए। और हमारे सुंदरगढ़ में ये माद्री कॉलो भवन में ये टेस्ट हो रहा था तो हम लोग गए थे और अभिनव बाद में आए, उनका टेस्ट तुरंत ही उसके बाद ही हम लोग के जाने के बाद ही वो आए, उनका भी नेगेटिव आया। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रखा है। आज जन्माष्टमी का महोत्सव है तो हमारे घर में तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता ही। आप सबको पता है हमारे घर में हर फंक्शन को हम लोग करते हैं सेलिब्रेट, तो इसी की तैयारियाँ चल रही है। सुबह से मेरे से जो हो सका मैंने बनाया, लेकिन केक मेरा बिगड़ गया थोड़ा सा। और हमारी जो स्पेशल आइटम होती है ना, हर घर की एक होती है, और मालपुआ हम लोगों की जन्माष्टमी में माँ जरूर बनाते हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। सो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं और मैं हो गई हूँ तैयार जन्माष्टमी की पूजा के लिए। और मैंने जो पहना है वो है कॉटन की साड़ी, ये साउथ साड़ी है, साउथ कॉटन साड़ी। ये अभी हमने मेरे लिए राउरकेला से लाया था और 2 साल के पहले लाया था सावित्री में। और इसका पल्ला देखिए ये इस टाइप के चेक चेक में, और मुझे ना ऐसे ऑफ वाइट कलर गोल्डन कलर के साड़ियाँ जो होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए मैंने ये क्या ख़रीदा है, ये मैं बाहर से ही मैंने ख़रीदा है, और मैचिंग चूड़ी वेयरिंग्स ऐसे ही पहन लिया है। बस अभी पूजा करने के लिए हम सब तैयार हो चुके हैं, चलिए अभी हम पूजा करते हैं। और मैंने भी देवांशी को भी तैयार कर दिया, उसे भी मैंने राधा बना दिया है, तो चलिए राधे राधे। और मेरा वीडियो पूरा देखिए। और ये देखिए मेरी साड़ी, और ये है हमारे घर के पुजारी जी अभिनव जी, और वो चेक करते हैं पूजा का सामान ठीक से है कि नहीं। तुम क्या आप सच्ची में और ये है हमारे किशन कन्हैया, इनके नए कपड़े हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने ऐसा पूजा किया कि नहीं, आप लोगों ने अपने नंदलाला को इस तरह से सजाया कि नहीं। लग रहे हैं ये फूलों से सजाया गया है फिलहाल, और तुलसी का पत्ता, तुलसी का माला भी तो चढ़ाया जाएगा, दुब घास है, बेर के झाड़ का पत्ता। और ये रंगोली मैंने बनाई है, मैं बनाना कुछ और चाह रही थी लेकिन कुछ और बन गया, हड़बड़ी में ऐसे ही होता है। लेकिन जो भी हो बहुत प्यारा लग रहा था और कलरफुल दिख रहा था। इशु देखो बेटा इधर दिखा रही है, क्या बना रही मेरी बेटी, बाबा। और यहाँ पे मेरी मम्मी पान बनाते हुए श्री कृष्ण जी के लिए, मेरी मम्मी ना पापा के लिए पान बनाते बनाते, पापा ने अभी पान खाना शुरू करा है नया नया, बनाते बनाते ना मम्मी भी एक्सपर्ट हो गई है।
और बस मम्मी को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा उनके फेस से, लेकिन वो पान बना के जस्ट भगवान जी के लिए अभी रख रही हूँ वहाँ पे। और ये देखिए हमारा पूजा शुरू हो चुका है, और ये एकदम धुआं धुआं झूणा होता है ना जो हम लोगों को बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं, धूप जलाते हैं जो, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, ऑक्सीजन भी मिलता है इसमें, और इसे हर हफ्ते में 2-3 बार तो जलाना ही चाहिए घर में। और ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो माँ किताब पढ़ रही है, ओडिया वही किताब है जो कि जन्माष्टमी के ऊपर में उनका एक किताब लिखा गया है, और ये शाम को ही ये पूजा किया जाता है ओडिशा में। और ये हमारे नंदलाला जी को झूला झूलाते हुए, जन्माष्टमी की पूजा जो होती है माँ वो कई सालों से करते आई हैं, हमेशा करती हैं, और अभी आरती की तैयारी शुरू हो रही है, दीप धूप से और कर्पूर से आरती किया जाएगा। और हम लोग नॉर्मली मोबाइल से गाना बजा देते हैं, ब्लूटूथ से आरती तो आती है थोड़ी बहुत सबको, लेकिन कृष्ण जी की जो आरती रहती है वो म्यूज़िक के साथ में बजती है ना, तो एकदम माहौल जम जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम लोग वही कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल से, और सारे मंत्र जो मंत्र रहते हैं वो अच्छे से एकदम स्पष्ट से आ जाती है, क्योंकि गलत सलत बोलने से भी सही नहीं लगता ना। और यहाँ पर देखिए एक नई फोटोग्राफर का आविष्कार हुआ है, मेरी बेटी वीडियो पकड़ के, मेरी मम्मी का फ़ोन को पकड़ के वीडियो कंटिन्यूसली कर रही थी। बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है। और अभी हम लोग पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने मोबाइल से ही पुष्पांजलि का मंत्र जो है वो कनेक्ट कर दिया है, और अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं। आप लोग भी यहीं से, आप लोग भी चाहें तो प्रणाम कर सकते हैं भगवान जी को, जब चाहें तब कर सकते हैं। और हमारा पुष्पांजलि अर्पण हो चुका है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं, और अभिनव और हम सब बारी बारी से भगवान जी को, किशन कन्हैया को झूला झूला रहे हैं। अभी आरती ले रहे हैं हम सब, और देखिए मैंने पहली बार कैमरा को पकड़ के आप सब की तरफ दिया दिखाया, ताकि आप सब भी यहीं से आरती ले सकें। शवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं आते नहीं जैसे खिलाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कहीं पे भी पूजा हो और आखिर में अगर भजन ना हो तो मुझे वो पूजा बिल्कुल भी इनकम्प्लीट लगती है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ अभिनव को। और ये अच्युतम केशवम वाला भजन सबको बहुत ही पसंद है और सबको आता भी है, तो हम लोग बस मिल के गाए, और एक दो ठो भजन भी हमने सुना, मैंने हालांकि वो दिखाया नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम ये पंचामृत खा के अभी वीडियो उठा रहे थे, थोड़ा सा फोटो उठा रहे थे, जगह हम सबके लिए उठा रहे थे, तो मैंने अभिनव से कहा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको चलो हम हाय कह देते हैं, और इसी माध्यम से हम उन्हें थैंक यू कह देते हैं कि मेरा वीडियो वो लोग देखते हैं, मेरे इंस्टा के रील्स भी वो देखते हैं, और मेरा वीडियो को और देखिए कि ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। और ये जितने भी, मैं आपको ये सब खिला तो नहीं सकती लेकिन बस इसी माध्यम से दिखा सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि आप लोग भी हर फंक्शन को सेलिब्रेट करिए, घर में खुशहाली लाइए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए। और माँ ने जो मालपुआ बनाया था बस मैं वही टेस्ट कर रही थी, क्योंकि माँ बहुत अच्छा बनाती हैं, हर साल बनाती हैं स्पेशली जन्माष्टमी में, और जब मन करता तब तो बनता ही है, लेकिन बहुत अच्छा ही बनाती है। और लाजवाब, ये सब आपके लिए है, एक वन बाइट आप सबके लिए है, और आप लोग मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और ये हम लोग का डिनर है, बस ऐसे ही छोटा मोटा सा जो भी जैसा है फैमिली के साथ में, आप लोग भी टाइम स्पेंड करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। सो अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।